ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कुछ साल पहले कहा था कि भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। अब भारतीय मूल के इन्हीं ऋषि सुनक को दिवाली के दिन प्रधानमंत्री पद मिला तो भारत के लोगों की खुशी दुगनी हो गई। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के लिए कैसे होंगे वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन भारत के लोगों को उन पर गर्व है। जैसे ही ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर आई, हर जगह यही चर्चा होने लगी कि अब एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन को चलाएगा। लेकिन इस खुशी के माहौल में अचानक पाकिस्तान ने एंट्री मार ली है। पाकिस्तान के लोगों ने अचानक ऋषि सुनक को लेकर एक दावा किया जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और तरस भी। दरअसल पाकिस्तान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा कि कैसे एक भारतीय हिंदू ब्रिटेन की कमान संभाल सकता है। क्रिकेट में मिली हार का गम अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि पाकिस्तान को ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खबर मिल गई। पाकिस्तान ऐसा बौखला गया कि उसने ऋषि सुनक को पाकिस्तानी तक बोलना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि ऋषि सुनक के दादा दादी ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्म स्थान गुजरावाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार वो एक भारतीय और एक पाकिस्तानी दोनों हैं। लेकिन ये बात बोलते ही पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान की तरफ से हर मुद्दे पर बयान तो जरूर आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो बेइज्जती होती है उसकी परवाह कोई पाकिस्तानी नहीं करता। पाकिस्तान के लोगों ने ऋषि सुनक के पूर्वजों को पाकिस्तान का तो बता दिया, लेकिन वो ये बताना भूल गए कि वो एक हिंदू भी थे, और हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में क्या है वो किसी से नहीं छिपा। पाकिस्तान ने शायद ये नहीं सुना था कि ऋषि सुनक ने कहा था कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं, वही हिंदू जिनका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो चुका है, वही हिंदू जिनकी लड़कियों का अपहरण होता है और जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वही हिंदू जिनके मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, और कोई पाकिस्तानी इसकी निंदा तक नहीं करता।